राजेंद्र गुढ़ा ने अशोक गहलोत को राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता की याद दिलाई तो उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। अब पी चिदम्बरम ने भी स्वीकार कर लिया है कि राजस्थान, बंगाल और बिहार में महिलाओं के साथ बर्बरता की काफी मामले हुए हैं, लेकिन चिदम्बरम का कहना है कि बंगाल में, राजस्थान और बिहार में हुआ तो इसकी तुलना मणिपुर से नहीं कीजिए, इस पर पर्दा डालिए, बात सिर्फ मणिपुर की होनी चाहिए। चिदम्बरम ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद एक कई ट्वीट्स किए। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों की एक लंबी सूची है, लेकिन वे मणिपुर की घटना पर राजनीति कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम नेताओं की आलोचना की, उन पर गैर भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों पर चुप रहने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। राजस्थान में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कुल 33,000 मामले हैं। अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए ट्विटर पर पी चिदम्बरम से पूछा, मणिपुर की स्थिति की तुलना बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की स्थिति से कैसे की जा सकती है? उन्होंने कहा कि आइए मान ले कि बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुई, ये मणिपुर में जारी और अनवरत हिंसा को कैसे माफ करता है? क्या घाटी में कोई कुकी बचा है? क्या चूराचांदपुर और मणिपुर के अन्य पहाड़ी जिलों में कोई मेईती बचा है? चिदम्बरम ने कहा कि अगर रिपोर्ट सच है तो मणिपुर में जातीय सफाया लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में संवैधानिक सरकार का पतन हो गया है, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का आदेश उनके घरों और कार्यालयों से आगे नहीं चलता है। केंद्र सरकार न केवल अक्षम और पक्षपात पूर्ण रही है बल्कि तुलना कर खुद को पर्दे के पीछे छिपाती है। ये संवेदनहीन और क्रूर बात है। यदि बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दें, लेकिन इससे मणिपुर में हो रही बर्बरता को माफ नहीं किया जा सकता। मणिपुर की सरकार गिर गई है, भारत सरकार कोमा में है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर ने राजस्थान में अपने मंत्री को उनके राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा उठाने के बाद बर्खास्त किए जाने के लिए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्देशों पर किया गया है। Your report, News of India.